सो दोस्तों, फाइनली विंडोज़ 11 में प्ले स्टोर इंस्टॉल करने का ऑप्शन आ चुका है। और इसे कैसे इंस्टॉल करना है, इसकी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो बहुत सारे वीडियोज़ यूट्यूब पे आपको मिलेंगे विंडोज़ 11 पे, बट मैं यहाँ पे आपको जस्ट वन क्लिक में किस तरीके से प्ले स्टोर को अपने पीसी में इंस्टॉल करना है, इसकी स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे जानेंगे। सो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपके विंडोज़ को यहाँ पे सेटिंग में जाके अपडेट करना है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं विंडोज़ के अपडेट में आ चुका हूँ। यहाँ पे आने के बाद जो आपका विंडोज़ 11 इनसाइडर प्रीव्यू है, इसे आपको लेटेस्ट अपडेट करना है। सो जैसे कि यहाँ पे मैं डाउनलोड एंड इंस्टॉल ऑल पे क्लिक करूँगा, तो ये पूरी तरीके से लेटेस्ट अपडेट हो जाएगा। और आपको मालूम करना है कि ये लेटेस्ट वर्जन है या फिर नहीं, तो उसके लिए यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है अप टू डेट। अप टू डेट आने के बाद आपका जो विंडोज़ है वो पूरी तरीके से अपडेट हो जाएगा। सो उसके बाद आपको क्या करना है, सो आपको जस्ट वन क्लिक में विंडोज़ सब सिस्टम फॉर एंड्रॉयड इस सॉफ्टवेयर को इसमें इंस्टॉल करना है। और इसे इंस्टॉल करने के लिए बहुत सारे यूट्यूबर्स आपको स्टेप बताते होंगे, बट यहाँ पे मैं जस्ट वन क्लिक में किस तरीके से इंस्टॉल करना है उसकी पूरी प्रोसेस यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ। सो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको विंडोज़ पावरशेल ओपन करना है। जैसे कि यहाँ पे मैंने ओपन किया, इसे ओपन करने से पहले आपको यहाँ पे सिस्टम 32 पे ओपन करना है। तो उसे कैसे ओपन करना है, उसके लिए आपको विंडोज़ और यहाँ पे आपको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना है। जैसे आप इसे करेंगे तो आपको यहाँ पे सिस्टम 32 का पाथ मिल जाएगा। सो आपको यहाँ पे जो मैंने कोड डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया है, सो दैट आपको वहाँ पे पेस्ट करना है। सो जैसे कि यहाँ पे मैं पेस्ट करके आपको दिखाता हूँ। सो कोड पेस्ट करने के बाद आपको एंटर प्रेस करना है। एंटर जैसे ही आप प्रेस करेंगे, जो विंडोज़ का टूल बॉक्स है यहाँ पे आपका इनिशियलाइज हो जाएगा। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं विंडोज़ का टूल बॉक्स आपको यहाँ पे मिल चुका है। सो विंडोज़ टूल बॉक्स ओपन हो जाने के बाद आपको इंस्टॉल गूगल प्ले स्टोर फॉर विंडोज़, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपकी नेक्स्ट प्रोसेस यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी इन विंडोज़ पावरशेल। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैं यस टाइप करूंगा और एंटर प्रेस करूंगा। बाद में आपका जो पीसी है वह रिस्टार्ट हो जाएगा। रिस्टार्ट हो जाने के बाद दोबारा से आपको विंडोज पावरशेल को यहाँ पे ओपन करना है, कोड को पेस्ट करना है। कोड को पेस्ट करने के बाद आपका विंडोज टूल बॉक्स यहाँ पे ओपन हो जाएगा। देन आपको इंस्टॉल गूगल प्ले स्टोर फॉर विंडोज पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे पी टाइप करना है। पी मतलब कि आपको यह प्रोसेस करनी है, मतलब गूगल प्ले स्टोर अपने विंडोज में यहाँ पे इंस्टॉल करना है। मुझे प्रोसीड करना है तो मैं पी एंटर करूंगा। एंटर करने के बाद आपको इसे डाउनलोड करना है, तो आप यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसकी लिंक भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। सो आप इसे कॉपी करके अपने ब्राउजर पे पेस्ट कर सकते हैं, जस्ट लाइक यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि मैंने इसे कॉपी किया, ब्राउजर को ओपन किया, देन यहाँ पे ब्राउजर पे मैं वो लिंक यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा और एंटर प्रेस कर दूंगा। यहाँ पे आपकी mediafire.com वेबसाइट ओपन हो जाएगी। देन आप इस पे कंटिन्यू कर सकते हैं। कंटिन्यू करने के बाद उस फाइल को आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। सो मैं इसे कैंसिल करूंगा, मैंने ऑलरेडी इसे डाउनलोड कर दिया है। सो डाउनलोड करने के बाद आपको इसका पाथ यहाँ पे कॉपी करना है। सो आपने जहां पर भी विंडोज सब सिस्टम फाइल को स्टोर किया है, विंडोज सब सिस्टम पे राइट क्लिक करना है। इस पे राइट क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे कॉपी एज पाथ यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा। सो इसका पाथ यहाँ पे आप कॉपी कर सकते हैं। सो कॉपी करने के बाद दोबारा से आपको विंडोज पावर शेल को यहाँ पे ओपन करना है। सो ओपन करने के बाद जो पाथ आपने कॉपी किया था उसे यहाँ पे आपको पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद आपको एंटर बटन प्रेस करना है और जो ओल्ड वर्जन था वो यहाँ से रिमूव होना स्टार्ट हो जाएगा। आपका डेवलपर ऑप्शन यहाँ पे इनेबल हो जाएगा और बाद में आपकी जो फाइल है वो एक्सट्रैक्टिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। एक्सट्रैक्टिंग कंप्लीट हो जाने के बाद ये खुद ब खुद अपना प्रोसेस यहाँ पे स्टार्ट कर देगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं विंडोज सब सिस्टम फॉर एंड्रॉयड यहाँ पे ओपन हो चुका है और ये खुद ब खुद अपनी प्रोसेस कर रहा है। जैसे ही ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी आपका प्ले स्टोर यहाँ पे ओपन हो जाएगा और आपको फाइनली यहाँ पे साइन इन करना है। और आपको साइन इन में प्रॉब्लम आ रहा है तो आपको क्या करना है, दोबारा से आपको टूल बॉक्स पे आना है। सो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है गूगल प्ले स्टोर साइन इन फिक्स,
तो आप उस पर क्लिक कर सकते हैं जब आपके पीसी में इंस्टॉलेशन पे प्रॉब्लम आ रहा है। सो अपने प्ले स्टोर की कंप्लीट प्रोसेस हो जाने के बाद आप अपने पीसी में जो चाहे एंड्रॉयड एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आप व्हाट्सएप को यूज़ कर सकते हैं। एज एंड्रॉयड में आप जैसे यूज़ करते हैं उसी तरीके से व्हाट्सएप अपने पीसी में यूज़ कर सकते हैं। सो आई होप यू एंजॉयिंग दिस वीडियो। सो डोंट फर्गेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।